نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آيت نمبر 59. Yes. Yes, we did it till 58. Now we'll do 59. Let's start from 58. ذلك نتلوه عليك من الآيات. ये हम पढ़ रहे हैं इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात में से, व ذکر الحکیم और पुर हिकमत या देहानी में से. इन मसल ईसा, बेशक मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की. इन द अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक. कमसली आदम, आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल के जैसी है. काफ ज़बर का और कमा, इन दोनों का एक ही मतलब होता है, जैसी कहने के लिए या कीसी है या मिसाल जैसी है, ये सब कहने के लिए का एंड कमा का यूज़ होता है, दोनों सिनोनिम्स हैं. तो इन्ना मसल ईसा इन द अल्लाह का मसली आदम, बेशक मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल के जैसी है. खलकहु मिन तुराबिन, उसको मिट्टी से बनाया उसने. खलकहु, उसने उसको बनाया. मिन तुराबिन, मिट्टी से. सुम्मा फिर. कौला, फरमाया. लहू, उसको. कुन, हो जा. फयकून, तो वो हो गया. कौला लहू कुन फयकून. इस आयत का क्या पर्पज़ है, इस आयत को अच्छे तरीके से समझ लीजिए. एंड दिस आयत इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज आयत जो कि वाइडली नोन एंड कॉमनली नोन होती है. अक्सर लोगों को इस आयत के बारे में पता होता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द काइंड आया जो कि यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली डिस्कस कर रही है. ठीक है, तो इस वजह से इस आयत की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक कैसी है, आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की जैसे. क्या के मकसद है कहने का, मकसद ये है कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के, बग़ैर वालिद के पैदा किया. ठीक है, दोनों की बर्थ अगर देखा जाए तो जैसे हजरत आदम की बर्थ जितनी मौजजाती है, उतनी ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजजाती बर्थ है. तो इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है. हैरानी से मुराद क्या है, हैरानी से मुराद है कि वो लोग जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को जो समझ नहीं सके, उन्होंने क्या किया, उसमें गुलूफ किया, एग्जैजरेशन की और उनको खुदा का बेटा ही बना डाला. नाउज़ु बिल्लाह, खुदा का बेटा बना डाला और उन्हीं की इबादत करने लग गए, उन्हीं को खुदा बना डाला. क्योंकि उनका माइंड जो है इस बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा था कि जी ये मोजजा भी हो सकता है. उनकी बर्थ, उनकी पैदाइश एक मोजजा है और इसको हमने इसी तरह ही एक्सेप्ट करना है जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबने एक्सेप्ट किया. अब्राहमिक रिलीजन में से कोई ऐसा रिलीजन नहीं है, यहूदी ले ले, चाहे नसरानी ले लें, चाहे मुसलमान है, कोई भी है, वो सब इस बात पे बिलीव करते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो था उसको अल्लाह ने बनाया है, बगैर बाप के और बगैर माँ के ही डेफिनेटली बनाया और मिट्टी के साथ बनाया. ठीक है, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ को उसी तरह एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है. हालांकि हजरत आदम की तो वालदा भी नहीं थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एटलीस्ट वालदा तो मौजूद है. तो अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया, फरमाया कि कुन, हो जा. फयकुन, तो वो हो गया. तो कलमाए कुन से इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ भी हुई. तो इसी मोजज़े को इसी तरह ही एक्सेप्ट किया जाए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल ही समझा जाए जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम
पहले इंसान थे और अल्लाह ताला के पहले नबी भी। अल्हक में रब्बी का, हक आपके रब की तरफ से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की तरफ से है। फला तो नहीं, तकुम मिनल मुमतरीन, तो ना हो आप अल मुमतरीन, शक करने वालों में से, तो ना हो आप शक करने वालों में से। क्या मतलब है कि ये जो हक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो हकीकत यही है, यही हकीकत है अल्लाह की तरफ से, जो कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद की आयात में क्लियरली बता दिया, क्लियरली हमें क्लैरिफाई कर दिया। बेसिकली उसमें किसी किस्म का अल्लाह ताला ने कोई डाउट, कोई शक, कोई कंफ्यूजन रखी नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि फिर आप में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट खताब किया जा रहा है, लेकिन आपके जरिए से एक्चुअली असल में बाकी मुखातिबीन से कहा जा रहा है कि कोई भी शक करने वालों में से ना हो। तो शक करने का क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया। शक करने से क्या होता है, शक करने से ना एक में से दो ही काम हो सकते हैं, या तो जिस बात पे शक किया जा रहा है ना, उस बात की उसी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ है जैसे, उनके इस मौजजे पे अगर शक किया जा रहा है, तो उसके दो ही नतीजे निकल सकते हैं ना। एक नतीजा ये हो सकता है कि जी आप टोटली प्रॉफिट को रिजेक्ट ही कर दें, टोटली रिजेक्ट कर दे, इनकार कर दे कि ये प्रॉफिट ही नहीं है, जो कि बनी इसराइल के लोगों ने किया, यहूदियों ने बेसिकली किया, ठीक है। और दूसरा दूसरा नतीजा क्या निकलता है, ये लोग इन लोगों की नजर में के, एक सेकेंड, जो शक करते हैं बेसिकली, तो शक करने वाले मजीद क्या सोचते हैं कि इनको जब बर्थ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्या करें, उसको एग्जैजरेट कर दें। हमें समझ नहीं आ रही तो हम ये प्लीज अंडरलाइन वगैरह आप लोग कुछ भी ना कीजिए प्लीज, ठीक है, कोई चेंजेस वगैरह ना कीजिए। तो दूसरी बात क्या समझ आ रही है, शक करने वाले क्या करते हैं, अगर उनको एक बात समझ नहीं आ रही तो उसी रसूल के स्टेटस को बढ़ा देंगे, और बढ़ा कर उसको नाउजुबिल्ला अल्लाह के नजदीक ही कर दिया और उसी की इबादत करने लगे, ठीक है। या तो टोटली रिजेक्ट कर दे, या उसमें गुलूफ कर दे, एग्जैजरेशन कर दे, ये दो काम करते हैं शक करने वाले लोग। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन दोनों कामों में से कोई भी काम नहीं होना चाहिए, किसी भी बात पर शक नहीं, शक किसी बात पर नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की आयात पर, ताकि नतीजा जो है वो गलत ना निकले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल थे, और उनके जो मौजजात हैं उन पर उसी तरह ईमान लाया जाएगा, और हजरत ईसा को अल्लाह का रसूल ही समझा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हजरत ईसा की लाइफ स्टार्ट हुई है स्टार्ट से लेकर, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आना, फिर उनका मैसेज और उनकी बर्थ, उनके मौजजात, ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में जिसके बारे में बेसिकली लोग डाउट क्रिएट करते हैं ना, उसके बारे में बातचीत हो चुकी है यहाँ पर, अल्लाह ताला ने सब क्लैरिफाई कर दिया। और जैसे शुरू में हमने बात की थी कि इस सूरत की जो ऑडियंस है दैट इज बनी इसराइल, लेकिन बनी इसराइल में से स्पेसिफिकली ईसाइयों के ऊपर बात होती है। और क्यों होती है, क्योंकि जब नजरान का वक्त आया था ना, तकरीबन तकरीबन 9 हिजरी में, 9 हिजरी में जब नजरान से वक्त आया था ईसाइयों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने मदीना में स्टे किया था आकर, और आपसे सलन से डिफरेंट इंफॉर्मेशन ली थी रिगार्डिंग इस्लाम, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये जितनी भी आयात है ना सूरह आले इमरान की, जो स्पेसिफिकली हजरत ईसा से रिलेटेड है या ईसाइयों से रिलेटेड है, तो वो सब फिर उस 9 हिजरी के दौरान में नाजिल हुई है, ठीक है। फमन हाजक फीही मिन बादी मा जाअक मिनल इल्म, फमन, तो जो कोई भी हाजक हुज्जत करे आपसे, फीही इसमें, मिन बादी उसके बाद, माँ जो जा आका आ गया आपके पास, मिनल इल्मी इल्म में से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जो भी फिर इस मामले में आपसे हुज्जतबाजी करना क्या होता है, बहस मुबाहसा करे, बहस करे इसके बारे में, जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, यानी जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल हकीकत पूरी स्टोरी बता दी कि क्या बात है और क्या बात नहीं है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो कंफ्यूजन थी लोगों को
आपसे सलम के पास जो ईसाई भी थे, और ईसाई क्या करते थे उस इवन उस जमाने के ईसाई भी, दे बिलीव्ड इन ट्रिनिटी, ठीक है, ये जो तीन खुदा का उनका समहाउ जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी में वो लोग भी बिलीव करते थे। सूरतुल माईदा जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। तो तब से उनका बिलीफ ये था, ये ट्रिनिटी वाला बिलीफ कोई नया बिलीफ नहीं जो अब से एग्जिस्ट करता और उस जमाने में था नहीं, तो तब से उनका यही बिलीफ था। तो अल्लाह ताला फरमाने कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी इस मामले में यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम के मामले में आपसे अब फिर भी बहस करता है इसके बाद कि आपके पास सही इल्म मौजूद है, तो क्या करें? फकुल, तो फरमाइए, तआलौ, आओ। तआलौ का क्या मतलब होता है? आओ, उनको बुलाया जा रहा है। नदउ अबना अना, हम बुलाते हैं। नदउ दुआ का वर्ड भी इसी से ही होता है ना, दाल आइन वाव से, और पुकारना बुलाना। नदउ, हम बुलाते हैं, अबना अना अपने बेटों को, अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, मतलब ये कि आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को और तुम बुलाओ अपने बेटों को। वनिसा आना, और अपनी औरतें, वनिसा निसा अकुम और तुम्हारी औरतें, मतलब ये कि हर हम बुलाते हैं अपनी औरतें और तुम बुलाओ अपनी औरतें। व अनफुसाना, और खुद हम, व अनफुसकुम और तुम खुद, यानी तुम सारे के सारे खुद और हम सारे के सारे खुद, यानी हम सब आ जाते हैं, फिर हम भी आ जाते हैं, तुम सारे भी आ जाओ। ईसाइयों से आप सल्लम को कहा जा रहा है कि ये फरमाइए, अगर अभी भी ये कन्वेंस नहीं हुए, अभी भी ये बात नहीं मान रहे ना, और गुलव कह रहे हैं और हजरत ईसा को ही नाउजु बिल्ला खुदा का बेटा कह रहे हैं, तो क्या करे? तो ये सिंपल सा ये काम करना है कि आप खुद भी आ जाए, इन लोगों को बोले कि ये सारे भी आए, और इनको बोले कि ये अपनी औरतें और अपने बच्चे भी ले आए, और हम भी अपनी औरतें और अपने बच्चे ले आते हैं, मैदान में हम सब इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा फिर नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काजिबीन, फिर हम सब मिलकर दुआ करें और लानत करें अल्लाह की उन पर जो के झूठ है, ठीक है, फिर हम सब मिलकर मुबाहिला करें। नबतहिल, मुबाहिला करें क्या मतलब है? फरियाद करें, बेसिकली अल्लाह ताला से फरियाद करें कि या अल्लाह जो ठीक है ना उसका तो साथ दें, और जो दूसरा है उस पर क्या हो? फनाजाल लानत अल्लाह, फिर भेजे लानत अल्लाह की झूठों पर, यानी बाहर निकलना है और बाहर निकल करना गिड़ा गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से फरियाद करनी है कि ए अल्लाह हम में से जो भी झूठा है ना उस पर या अल्लाह तेरी लानत हो, ठीक है, तो इसको मुबाहिला कहते हैं। और बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सीरत का वाकया है, सीरत में ये हुआ भी था, आप में से हो सकता है बहुत सारों को पता हो कि मुबाहले की बकायदा दावत दी गई थी ईसाइयों को, बेसिकली इनमें से वो लोग जो कि कन्विंस नहीं हो रहे थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि इनको जमा करें, इनको बुलाएं, और फिर इस तरह सच बयान किया जाए और इन्हें कहा जाए कि अगर वाकई तुम सच्चे हो तो ठीक है, फिर तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना, फिर तुम आ जाओ, और एक दूसरे पर लानत की जाएगी, ठीक है, कि बेसिकली एक दूसरे को झूठा समझकर एक दूसरे पर लानत की जाएगी। तो इससे होगा क्या? डेफिनेटली जो झूठ बोल रहा है उसके लिए फिर अल्लाह की रहमत से दूरी होगी, और उसके लिए इमीजिएटली कोई नुकसान भी हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन हुआ क्या था सीरत के इस वाक्य में कि उन्होंने बाहर निकलने से साफ इनकार कर दिया, जो वफ वफ आया हुआ था ना, जो ग्रुप आया हुआ था ईसाइयों का नजरान से, उन्होंने बेसिकली मोहलत मांग ली कि हम मशवरा करते हैं कि आए बाहर आए कि ना आए, ऐसा करें कि ना करें, उन्होंने ये बोला कि हम मशवरा करते हैं, और मशवरा करने के बाद उन्होंने फिर यही फैसला किया कि जी हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? अब आपको समझ आ रही है कि बेसिकली उन्हें पता था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रिजेक्ट कर रहे हैं और आप सल्लम की तालीमात को जो नहीं मान रहे, तो वो बेसिकली सिर्फ जिद की वजह से नहीं मान रहे, जबकि सच यही है, हक यही है, और सच के करीब जो बातें हैं ना वो यही बातें हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया कि ये नहीं, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, मुबाहला जो है, फरियाद जो है, ये काम हम नहीं करेंगे।
और इसके बाद फिर बेसिकली इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ एक मुआहिदा किया कि हम लोग सालाना जिजिया देते रहेंगे और क्रिश्चियंस ही रहेंगे और वापस चले गए। सिंस ये 9 हिजरी की बात है ना, तो 9 हिजरी तक आपको पता है कितनी फतुहात हो चुकी थी। फतह मक्का हो चुका था 8 हिजरी में, और उसके बाद ताइफ फतह हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का जो पूरा टूर था वो कंप्लीट करके वापस मदीना आ चुके थे, और तबूक से आगे पीछे का ये वाक्या है ना, और जो डिफरेंट वफूद को लेटर्स वगैरह लिखे गए थे वो कहा जाता है कि उससे पहले का भी वाक्या है। लेटर्स बल्कि दोनों टाइम पे लिखे गए हैं, 7 हिजरी में भी लेटर्स लिखे गए हैं आफ्टर सुलह हुदैबिया और आफ्टर फतेह मक्का, बाकी एरियाज में बाकी नॉन मुस्लिम जो हुकूमतें थी उनको, बाकियों को भी लेटर्स लिखे गए हैं। तो ये उस जमाने की बात हो रही है जब ये वफ दूर दूर से आप सल्लम के पास खुद ही आना शुरू हो गए थे कि ये कौन सा दीन है जो के जिसको इतनी ज्यादा फतह मिल रही है और कामयाबी मिल रही है और इसका नाम फैलता जा रहा है, इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सूरत नस्र में है ना, सूरत नस्र में इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयता अन्नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आप देखेंगे लोगों को दीन में मुसलसल बार बार दाखिल होते हुए, तो अब फौज दर फौज दाखिल होते हुए आप लोगों को देखेंगे। तो ये उसी जमाने की बात है, वफूद जो थे अल्लाह ताला ने ये जो सूरत नसर में जिसका जिक्र किया एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर हो रही है कि वफूद आया करते थे, उनमें से कुछ इस्लाम ले आते थे, कुछ मुनकर हो जाते थे, नहीं इस्लाम लेकर आते थे, ऐसे ही वापस चले जाते थे, और कुछ सुलह कर लेते थे, सुलह करके एक पॉइंट पर पहुंच जाते थे कि ठीक है हम अरब की अरब को छोड़ेंगे नहीं लेकिन हम आपको सालाना जिजिया देते रहेंगे। इन्ना हाजा बेशक ये लहुवल कससुल हक, यकीनन ये कहानियां हैं, अल कसस किस्से हैं, अल हक सच्चे, बेशक ये किस्से हैं सच्चे, वमा और नहीं मिन इलाहिन कोई भी इलाह इल्लल्लाहु मगर अल्लाह के, व इन्ना अल्लाह और बेशक अल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, यकीनन वो बहुत जबरदस्त है यानी इज्जत वाला है, गलबे वाला है, अल हकीम कमाल हिकमत वाला है, यानी इन्ना हाज़ा लहुल कससुल हक, यकीनन यही बिल्कुल सही का किस्सा है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो जो अल्लाह ताला ने किस्सा सुनाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक सूरह आले इमरान में, ईसाई आए उनको एड्रेस करके और मुसलमानों को एड्रेस करके, यही सच्ची बात है। तो इसी पर ईमान लेकर आए और अल्लाह के अलावा किसी को इलाह मत बनाए, ठीक है, अल्लाह के साथ कोई शिर्क किसी किस्म का कोई शिर्क भी जायज नहीं है, और अल्लाह ही है जो कि सबसे ज्यादा इकतदार वाला और सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। तो जिसके पास इकतदार है और जिसके पास हिकमत है डेफिनेटली वही इलाह है, और उसका कोई शरीक उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। फ इन तवल्लो फिर अगर वो मुंह फेर लें, फ इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। तो अगर वो मुंह फेर लेते हैं इसका मतलब क्या है कि वो बात नहीं मानते, तो अगर वो लोग बात नहीं मानते तो फिर अल्लाह ताला फसाद करने वालों को जानता है। तो बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं मानता, नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह जो लोग इनकार कर देते होते हैं ना सच का, असल में वो फसाद क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते हैं। तो ये फसाद करने वाले लोग हैं और अल्लाह ताला को पता है कि इनका मकसद क्या है। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब, तआलो आओ, इला कलिमतिन कलिमे की तरफ, सवाइन जो बराबर है, सवाइन बराबर भी होता है यानी एक जैसा है यकसा है, ठीक है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, हमारे दरमियान तुम्हारे दरमियान जो कलिमा जो बात बराबर है ना एक जैसी है जो यकसा है उसकी तरफ आओ, ए अहले किताब, अल्लाह के नहीं, नाबुदु हम इबादत करेंगे, इल्ला मगर अल्लाह अल्लाह की। तो क्या कहा जा रहा है कि अहले किताब और हमारे दरमियान मुसलमानों के दरमियान कॉमन बात क्या है, कॉमन बात असल में तौहीद है।
अभी भी जब हम अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करते हैं तो क्या क्या कहा जाता है कि दीज आर द मोनोथीस्ट रिलीजन्स, ठीक है। मोनोथीस्ट यानी एक खुदा को मानने वाले जो रिलीजन्स हैं वो अब्राहमिक रिलीजन्स ही हैं। इवन अभी भी जूडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी अपने आप को मोनोथीस्ट रिलीजन्स ही कहते हैं, चाहे वो साथ-साथ शिर्क भी कर रहे हो, कहते हैं अपने आप को यही है। तो उनको अलबत्ता ये बात पता है कि जी हमारी ओरिजिनली जो तालीमात थी ना वो यही थी कि मानना एक ही खुदा को है, इबादत एक ही खुदा की करनी है। तो वो जो तौहीद का कलेमा है जो सारे रिलीजन्स में, सारे अब्राहमिक रिलीजन्स में, जो इब्राहिमी दीन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में अल्लाह ताला ने इस्लाम भेजा था, तो वो सब इन सब को तालीमात एक ही दी गई थी। तौहीद की तालीम इन सब के लिए सिमिलर ही थी, उसमें कोई फर्क नहीं था, वो यकसा है हमारे और आपके दरमियान। वला और नहीं नुशरिकु हम शरीक करेंगे, नून से शुरू हो रहा है ना, तो फेल मजारे नून से शुरू होता है तो हम का मायने आता है, और नहीं हम शरीक करेंगे बिही साथ उसके शैअन कुछ भी, यानी कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी ना बनाएं। वला और ना ही यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबम मिन दूनिल्लाही, और ना बनाएं हम में से कोई किसी को भी कारसाज अल्लाह के अलावा, और अल्लाह ताला के अलावा किसी को भी अरबाबन कारसाज भी हम कह सकते हैं, और रब ही बेसिकली इसका मतलब है, रब किसी को भी ना ठहराए, ठीक है। तो रब का मतलब आपको पता ही है, रब पालने वाला। रब के मायने में बेसिकली फोर मीनिंग्स शामिल होते हैं, चार सिफात क्या शामिल होती हैं, और वो चार सिफात कौन सी होती हैं, खालिक पैदा करने वाला, ठीक है, मालिक और मुदब्बिर तदबीर करने वाला, पूरी लाइफ को प्लान करने वाला, और देन राज़िक प्रोवाइड करने वाला, रिस्क देने वाला। तो ये चार सिफात रब के लफ्ज़ के अंदर शामिल होती हैं। तो रब कौन है, रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही है, अल्लाह ही पैदा करता है, वही मालिक है, फिर वही तदबीर भी करता है, पूरी लाइफ प्लान करता है, और वही रिस्क भी प्रोवाइड करता है। तो अल्लाह के अलावा किसी को भी, हम में से कोई भी किसी भी और को ना रब जाने ना रब माने और ना ही रब समझे, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के अलावा। फइन तवल्लौ फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, फकूलू तो कह दीजिए अशहदु बि अन्ना मुस्लिमून, गवाह रहो बि अन्ना के बेशक हम मुस्लिमून फरमाबरदार हैं। फकूलु शहदु बि अन्ना मुस्लिमून, तो गवाह तो कह दीजिए कि गवाह रहो बेशक हम बि अन्ना बेशक हम मुसलमान हैं फरमाबरदार हैं। मतलब ये कि अगर वो लोग इस कलमाए तौहीद पे नहीं आते ना, कहते खुद को यही है कि जी हम कलमाए तौहीद पे ही हैं, हम एक ही खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस इनकी डिफरेंट हैं, तो इन्हें बस ये जवाब दे दे कि बस ठीक है, तो फिर तुम लोग अगर हमारी तालीमात को, इस्लाम ही की तालीमात जो ओरिजिनली तुम्हारी भी यही तालीमात है, तुम्हारी किताब की भी यही तालीमात है, उसको अगर तुम नहीं मानते और मुंह फेर लेते हो, इस्लाम पर वापस नहीं आते, तो बस ठीक है। इनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस इनको ये बता दो कि जी हम तो फरमाबरदार ही रहेंगे और तुम हमारी इस अल्लाह की तरफ फरमाबरदारी पर तुम गवाह रहना। तो आपस में अब पता क्या चल रहा है कि आपस में जो सिमिलैरिटी है वो तौहीद की है इन तीनों रिलीजन्स में, इवन दे आर नोन फॉर दैट इवन नाउ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो तौहीद जो है वो ऐसा कलिमा है जो कि सबको जोड़ने वाला है, ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखने वाली है, यूनिटी क्रिएट करने वाला, इत्तेहाद क्रिएट करने वाला जो कलिमा है वो कलिमा तौहीद ही है। जब अल्लाह को एक मानेंगे सब, सब ये समझ लेंगे कि जी हम सबका रब तो एक ही है, हम सब तो एक ही रब की इबादत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे और एक दूसरे की बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लग जाएंगे। तो हमेशा जब किसी के साथ बहस मुबाहसा किया जाता है ना, बहस मुबाहसे से यहाँ पर मुराद है एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए
जो मुजादला किया जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट किया जाएगा, जैसे तकरीर वगैरह नहीं की जाती उस तरीके से, तो उसमें फिर बात वहां से स्टार्ट की जाए जो कि सिमिलैरिटीज कॉमनैलिटीज होती हैं दो ग्रुप्स के दरमियान में, ताकि इख्तलाफ और फसाद जो है वो कम से कम हो। तो बहस मुबाहसा करने का तरीका भी हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बात यकसा है उसकी तरफ आओ, और ये भी बताया जा रहा है कि हम सबके दरमियान जो एक मुत्तहिद करने वाली चीज है वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को एक मानना और एक अल्लाह की इबादत करना ही है। या अहलल किताबी, ए अहले किताब, लिमा क्यों, तो हाजुना तुम झगड़ते हो, बहस मुबाहसा करते हो, फी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, वमा और जो उन्जिलत तौरातु वल इंजीलु और जो भी नाजिल किया गया तौरात में, वमा आगे इल्ला आ रहा है ना, तो इल्ला की वजह से जो मा है उसका मायनी नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब भी इल्ला आ जाता है ना सेंटेंस में, तो मा ला हल इन इन सब का मायनी नहीं ही किया जाता है, ठीक है। वमा और नहीं, उन्जिलत तौरात वल इंजीलु और नहीं नाजिल की गई तौरात और इंजील, इल्ला मगर, मिम बाद ही मगर उसके बाद, यानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद रसूल आए मूसा अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम, तो उनको तौरात और इंजील दी गई। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, मतलब क्या इसका कि क्यों तुम झगड़ते हो इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में, मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो तौरात वाले थे जो यहूदी हो गए हैं ना लोग, वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में कुछ और कहते थे, कि जी जो हमारी तालीमात है ना, जो हमारे अकायदे, वही थे हजरत इब्राहिम के बारे में, हजरत इब्राहिम के वही अकायद थे, ठीक है। तो हम असल में इब्राहिमी दीन के ऊपर हैं। और ईसाई क्या कहते थे कि नहीं जी, जो हमारा अकीदा है ना और हमारी तालीमात है, एग्जैक्टली सेम वो तालीमात थी जो कि इब्राहिम अलैहि सलाम की थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तौरात और इंजील जो है वो तो इब्राहिम अलैहि सलाम के बाद नाजिल हुई है, तो तुम लोगों को कैसे पता है तौरात और इंजील देख कर कि इब्राहिम अलैहि सलाम का अकीदा तौरात वाला था, या हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जो अकीदा है या जो उनका बिलीफ सिस्टम था, उनका मानना था, वो इंजील वाला है, तुम्हें कैसे पता? ये दोनों किताबें तो हजरत इब्राहिम के बाद नाजिल हुई हैं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम तो बहुत पहले ना आए थे। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल के साथ काम नहीं लेते। तो बेसिकली उन्हें बताया जा रहा है कि तुम लोगों का जो तरीका है, तुम लोगों का जो मानना है, जो अकायद है, वो बेसिकली ठीक नहीं है। हा अंतुम हा उलाई, ये तुम वो लोग हो, हा अंतुम ये जो तुम लोग हो, हा उलाई वो लोग हो, हा जज तुम झगड़ा करते हो यानी बहस करते हो, फीहा उसमें, लकुम तुम्हारे लिए, बिही उसमें, इल्मुन कोई भी इल्म, ऐसी बात में, फीमा जिसमें के तुम्हारे लिए कोई भी इल्म, कुछ भी तुम्हें उसका इल्म नहीं है, ये तुम हो वो लोग जो झगड़ते हो, ऐसी बात में तुम्हें था जिसका कुछ इल्म। एक सेकेंड, ठीक है, यानी जिस बात का तुम्हें कुछ इल्म है, थोड़ा इल्म है, उसके बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करके झगड़ रहे हो, फलीमा तो क्यों, तो हा जो ना तुम झगड़ते हो, फीमा उसमें, लैसा लकुम बिही इल्म, लैसा नहीं, लकुम तुम्हारे लिए बिही जिसमें, इल्म कोई इल्म, यानी जिस बात का तुम्हें पता ही नहीं है उस मामले में क्यों तुम झगड़ते हो। मतलब क्या फरमाया जा रहा है कि देखो तुम लोग अब तक जो बहस मुबाहसा हो रहा था ना कर रहे थे, उसमें उन चीजों के बारे में जिनका तुम्हें कुछ थोड़ा सा इल्म है, उसके बारे में अगर तुम बात कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो चलो ठीक है वो तो तुम कर रहे हो, लेकिन जिस चीज का तुम्हें इल्म ही नहीं है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे का, और फिर भी ये कहना कि नहीं जी हम इब्राहिम एक रिलीजन है और हम जो भी हम कह रहे हैं जैसे भी कह रहे वही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, तो इसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है, इसके बारे में तुम क्यों बात कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? वल्लाहु और अल्लाह, यालमु वो जानता है, व अंतुम और तुम, ला नहीं, तालमून तुम जानते, पूरी की पूरी हकीकत क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को उसका इल्म है, और तुम जिस बारे में बहस कर रहे हो, बहस मुबाहसा गलत बातों पर कर रहे हो,
उनकी कोई दलील नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, और तुम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। मतलब वो तुमने खुद से घड़ी हुई है, खुद से बनाई हुई है। तो जो बातें खुद से घड़ी और खुद से बनाई हुई है, तो उसको फिर उसके बारे में बहस मुबहसा क्यों करना? उसका मतलब यही है कि तुम्हें उसका कोई इल्म नहीं है। माँ काना नहीं था इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदियन, यहूदी वाला, और ना ही नसरानियन, नसरानी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि ना वो यहूदी थे और ना वो नसरानी थे, ईसाई थे। वलाकिन, लेकिन, काना वो थे हनीफन, यकसू, मुस्लिमन, फरमा बरदार, वमा, और नहीं थे काना वो मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। तो अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, और ना ही मुशरिकीन में से थे। तो जो मुशरिकीन थे ना, उस जमाने के आइडल वर्शिपर्स थे, बुतों की पूजा करने वाले थे, वो लोग क्या कहते थे? वो भी यही कहते थे कि जी हम तो दीन इब्राहिमी में से हैं। और यहूदी भी यही कह रहे हैं कि जी दीन इब्राहिमी असल में हमारा दीन है। नसरानी भी यही वाली बात कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन तीनों के साथ ही रिलेट नहीं करते, इन तीनों के दीन के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंसूब नहीं किया जा सकता, बल्कि वो यकसू होकर अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले थे। मतलब ये कि मुसलमान थे वो, इस्लाम को फॉलो करने वाले थे। जो इस्लाम का मैसेज है, सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो इन लोगों का जो गलत अकायद है, बेसिकली इनको ये बताया जा रहा है कि अगर वाकई हजरत इब्राहिम को ही मानना है और हजरत इब्राहिम को ही मानते हो, तो एटलीस्ट उनका जो अकीदा है उसके ऊपर तो आ जाओ। उनकी जो यकसू और फरमाबरदारी थी, एक ही सीधे रास्ते पर चलना था, तौहीद को मानना था। एटलीस्ट कम बैक टू दैट बिलीफ सिस्टम, दैट फैक्ट, उसको तो एटलीस्ट सही तरीके से मान लो। ठीक है, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।